हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो 11 बज गए हैं और मॉर्निंग का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया। आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ऐसे ही शुरू से व्लॉग नहीं बनाया। तो मैं आपको बोल रही थी ना शॉपिंग दिखाऊंगी, तो चलो दिखाती हूँ आपको शॉपिंग की मैंने अपने लिए क्या लिया है। रक्षा बच्चों की तो आपने देख ही ली थी, तो ये पूरी खोल के दिखाऊंगी। मेरी ये है, मतलब ये कुर्ती नायरा कट में है, ये कुर्ती है और ये इसमें नीचे ऐसी लेस लगी हुई है। पूरा खोलूँगी ना आफत आ जाएगी। ये इसमें प्लाजो है और ये इसमें दुपट्टा, और इसमें ना ये है स्पार्कल वाला डिज़ाइन, वो होता है ना गोल्डन सा, ये है इसमें डिज़ाइन। तो ये लिया है मैंने अपने लिए, कब से सोच रही थी। और मतलब इनको आया ये पसंद ज़्यादा ना, मुझे तो इतना खास वाइट कलर मुझे नहीं इतना पसंद आता, बट मुझे ना थोड़ा खिलते हुए कलर अच्छे लगते हैं, जैसे आप देखते होंगे डार्क डार्क से, बट इनको ये पसंद आया तो फिर मैंने कहा चलो इस बार इनकी पसंद का ले लेते हैं। तो ये लिया है। और हाँ, एक ना मतलब मेरे भाई ने, छोटे वाले भाई ने मुझे फ़ोन किया था, उसकी वाइफ का बर्थडे था अभी कुछ टाइम पहले, तो उसने कहा था कि एक ड्रेस हमेशा मैं ही लेती हूँ वैसे, उसके लिए वो यहीं से मंगवाता है मुझसे ना, क्योंकि वैरायटी मिल जाती है यहाँ और वैसे वहाँ भी मिल जाती है। वहाँ पता है वो बोलता है सबके ना एक जैसे लगते हैं, फिर कपड़े ना होता ही है, छोटी सी जगह है, दुकानें लिमिटेड होती हैं, तो वो बोलता है सबके ना कपड़े एक जैसे लगते हैं, तो सिल जाना उसके लिए तो बहुत अच्छा ड्रेस है। ये देखो ये वर्क है और ये स्लीव्स हैं और फ्रॉक में है, तो बहुत सुंदर है। मतलब उसको था कि वाइट ही लेना है, क्रीम मतलब वाइट लेना, प्रॉपर वाइट बोला था, बट मैंने प्रॉपर तो नहीं क्रीम सा लिया। और ये प्लाजो है, प्लाजो बड़ा अच्छा है। ओ मैं तो भूल गई, दुपट्टा इसके साथ, दुपट्टा मतलब इसके साथ दुपट्टा नहीं, सिर्फ ये है। तो ये छोटी वाली मेरी भाभी है जो उनके लिए है और उनकी बेटी के लिए भी है, और उन्होंने तो ले लिए हैं ऊपर, तो ये उसकी बेटी के लिए भी। तो ये है उसकी बेटी का ड्रेस, ये इसमें पजामी है और ये है। ये मैंने इसलिए लिया, इसमें ना इनर पहन के वो आराम से पहन सकती है और काफ़ी बड़ा भी है ये, तो ये उससे 2 साल तक मतलब आ ही जाएगा अभी अगले साल तक भी। तो ये और वो ना वैसे चमकीले, अब मुझे ये हो रहा है टेंशन ये चुभे ना उसे, क्योंकि वो नहीं पहनती। जो बर्थडे में भी उसने फ्रॉक मैंने 5 मिनट पहन के रखा बस। ड्रेस बहुत सुंदर है, कैमरे में उतनी अच्छी नहीं आ रही, पीछे से मेरी इसमें ये है कढ़ाई है, ये फ्लावर है जो भी है, तो बहुत सुंदर है ड्रेस। तो ये लिए है उसके लिए, उसने मतलब पैसे भेज दिए थे मुझे मेरे अकाउंट में, और ये ले लेना ड्रेस। तो ये ले ली, कब से मैं बोल मैंने बोला था वहीं से ले लेना वहीं से ले लेना, बट फिर चलो मैंने कहा ले ही लेती हूँ। और मैंने तो जो लिया है वो लिया ही है रक्षाबंधन के लिए अपनी भतीजी भी, वो ना मैं वही दिखाऊंगी, ठीक है, यहाँ से नहीं दिखा रही, फिर सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा, तो वही दिखाऊंगी आपको, ब्लॉग बनाऊंगी वहाँ से जो मैंने उनके लिए लिया है। इतना कुछ नहीं लिया, बट थोड़ा बहुत जो भी है एक एक चीज़ ली है उनके लिए। वह पिछली बार तो मैं वो मतलब उनके लिए किट बना के ले गई थी, मेकअप किट ना, जैसे नेल पेंट, रिंग, एसेसरीज वगैरह ही ले गई थी जो बच्चों की होती है। पर इस बार मैंने ड्रेस ली है, ड्रेस ऐसी प्रॉपर पूरी ड्रेस नहीं ली है, बट एक एक चीज़ जो भी ली है वो वही दिखाऊंगी मैं आपको। और मैंने अपने लिए अमरूद काटे क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो काफ़ी बातें हो गई है, और एक और सरप्राइज शाम को आएगा वो मैं दिखाऊंगी आपको, तो चलो बाद में मिलती हूँ आपको। सो फ्रेंड, आज मैंने कोई भी दिन भर ब्लॉग नहीं बनाया, और तो मैंने ना दिन भर कोई ब्लॉग नहीं बनाया, और अभी मैंने हलवा बना लिया है, दाल चढ़ा रही है, और किचन के हाल बुले हो रहे हैं क्योंकि फ्रिज फिर से गया है, तो सब्जी वगैरह सब यही है, और ना बहुत सामान रखना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है पता, या तो फिर हो ही ना तो उस हिसाब से इंसान चलता है, और जब फ्रिज होता है तो फिर हलवा बन गया है। पूजा मेरी हो गई है, ये प्रसाद चढ़ाना है मुझे मंदिर में, तो प्रसाद प्रसाद मंदिर में चढ़ा देती हूँ। कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, और सरप्राइज जो मैं बोली थी वो भी अभी आए नहीं, बताने वाला है, तो चलो प्रसाद चढ़ाती हूँ फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड, हलवा बनाने और वो चढ़ाने के बाद में मतलब दाल चढ़ाने के बाद ये मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर पे, और ये सामान आप देख रहे होंगे नीचे, तो ये सब ना पैकिंग का सामान है, मतलब जो मायके जाने के लिए वो निकाल के रखा है मैंने, अभी ना फिक्स नहीं हो रहा हमारा कल जाएंगे या परसों। और मंदिर में आप देख रहे होंगे मैंने पर्दा ना मंदिर का धुला हुआ, तो ये पर्दा ऐसे लगा रखा है ताकि हवा ना जाए,
नहीं तो फिर दिया वो होता है ना। तो यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ मैं, आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। आज यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, सब्ज़ी काट ली थी मैंने, कहा चलो पंखे में काट लेते, और आज लेट हो गया था खाना बनाने में क्योंकि हम कहीं गए थे तो इस वजह से लेट हो गया था। तो बस मैंने कहा पहले मैंने कहा हलवा बना लिया क्योंकि प्रसाद भगवान को चढ़ाना था, और उसके बाद मैंने दाल चढ़ा ली थी। तो अब यहाँ पर मैं गोभी तो अंदर से काट ली थी बट वो ये, और इस फ्रिज ना फिर से वैसी होगी, उन्होंने बोला ही था कि इसका फ्रीज़र चेंज होगा तो इस वजह से, और जिसने पहले फ्रीज़र लगाया था वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, तो बस ऐसे ही है, किस्मत ऐसी चल रही है हमारी। तो बस वो मतलब यही था, उनका देखते हैं कि इस बार कितना चलता है, तो मतलब फ्रीज़र चेंज करना ही पड़ेगा उसका। तो यहाँ पे सब्ज़ी काट ली है मैंने, और आज ना पानी भी कम हो गया, पानी भी ख़त्म ही होने वाला है। वैसे तो भरा हुआ है, ऐसा नहीं चल तो जाएगा, बट ये रहता है ना कि हर चीज़ होनी चाहिए ज़्यादा तो फिर ये। तो चलो यहाँ पे मैं टमाटर भी काट लूँगी और सब्ज़ी बना लूँगी। फिर सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, उसके बाद फिर मैं अंदर जाके वो ये आटा उटा गूंदा, और सरप्राइज़ जो हमारा था वो आने वाला है सरप्राइज़। फ़ोन आ गया था सरप्राइज़ का, तो अभी मिलेगा आपको सरप्राइज़। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी छोंक रही हूँ, और आज ना मुझे इतनी नींद आई, वैसे व्रत में दिन में सोते नहीं है ना, बट नहीं रहा क्योंकि अगर मैं खुद ना सोऊँ तो बच्चे मेरे सोएंगे नहीं, बच्चे तभी सोते जब मैं उनके साथ लेटूँ, और अगर मैं लेटूँ ना फिर वो शाम को टाइम पढ़ाई के लिए नखरे करते हैं, मतलब हन्नू को फिर नींद आने लगती है, और एग्ज़ाम भी चल रहे, और टाइम तो चलो छोड़ दो बट एग्ज़ाम चल रहे तो थोड़ा प्रिपरेशन तो ज़रूरी है ना। तो इस वजह से मुझे दिन में ना ज़बरदस्ती, और मेरा खुद भी मेरी ना बॉडी मेरी साथ नहीं देती, अगर मैं दिन में रेस्ट ना करूँ तो शाम को खाना बनाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो बस ये आ गया हमारा सरप्राइज हमें लेने के लिए। क्या आई है चिज्जी? चिज्जी क्या मंगाई तुमने ना? ठंडी कर मोमोज। तो देखा आपने, भाई आया है मेरा, और ये मतलब बोल रहा है क्या ये कैमरा कुमरा लगा रखा है। मैंने कहा भाई यूट्यूबर के घर आओगे तो कैमरा तो लगा ही मिलेगा। और तो बस ऐसे दिन में मैंने वीडियो ऐसे नहीं बनाया, खाना पीना बनाया बच्चों को लेके, भाई वही रूटीन जो चलता है वही था। कपड़े भी मेरे आज कमी थे धुलने के लिए क्योंकि ड्रेस मैंने धुली दी थी। तो बस यहाँ पे आ गए हैं मामा के भांजे, अपने मामा के साथ बहुत प्यार करते हैं अपने मामा से ना, वो ये ना मतलब पहले ना जैसे अभी तो वहाँ रहता है, मतलब जहाँ वहाँ घर में पहले ये काशीपुर रहता था इधर की तरफ ना, तो ये मेरे पास ज़्यादा आता था हरिद्वार क्योंकि घर तो दूर पड़ता था, तो बच्चों को थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन है इससे ना, बिन्नू से मेरे भाई से, तो फिर है ही है। और मामा के तो हैं ही लाडले हैं ही, मामा फ़ोन करके पूछते क्या चाहिए, उन्होंने कहा था मोमो, तो बस मोमो लिया है, और उन्होंने कहा था पिज़्ज़ा तो कल पिज़्ज़ा खिला देगा, बस यही रहता है बच्चों को मामा से। तो यहाँ पर ये इनकी चल रही है मोमो पार्टी, और हमने वो तो खा के आ गया था शायद, और हमने तो मेरा तो फास्ट था खैर, और इन्होंने भी नहीं खाया। तो बच्चे खा रहे हैं मोमो, और पसंद है हन्नू को ना मेरे मोमो पनीर, दो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे वो खा रहे हैं, और फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं आटा गूंथती हूँ, और अंदर ही ले आई थी मैं पंखे के नीचे, और साथ में होते ये गप्पे वगैरह भी मार रही हूँ। तो बस आटा गूंथ लूँगी और दाल, इसके बाद मैंने हाँ सब्ज़ी बन रही थी तो इसके बाद मैंने दाल छोंक ली थी, बस हो गया था हमारा खाना तैयार। और फिर मैंने व्लॉग आगे नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था, मैं सोच रही थी आज मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, क्या एक तो ना रात को इसलिए शूट नहीं करते, अंधेरा आपने देखा कितना अंधेरा आ रहा है वीडियो में, तो यही होता है। और अभी मैं 10:30 हो गए, वॉइस ओवर कर रही हूँ जिस समय, तो मैंने कहा चलो आज, और बर्तन वगैरह मैंने सब धुल दिए हैं, बस अब सोने की तैयारी हो रही है। 11 तो बज ही जाते हैं आजकल, वैसे हम 2:10 सो जाते थे बट आजकल ना हमें 11 बज रहे हैं, वही बच्चों को लेट तक पढ़ाते हैं तो फिर खाओ फिर एकदम सोया बन जाता है, थोड़ी देर बैठ के फिर ये है कि वो भी करना पड़ता है। क्या बोलती यहाँ पे पता नहीं क्या बातें चल रही थी हमारी, और मेरा ना वो बोलने का लहजा थोड़ा ऐसे ही है, मतलब ऐसा लगता है गुस्से में बोल रही बट है नहीं, वैसे मैं शांत रहती हूँ। तो बस यहाँ पे आपको मेरा फेस देख के लग रहा होगा, तो पता नहीं क्या बात बोल रही थी मैं, कुछ बोल रही थी। तो बस इसके बाद मेरा खाना बन गया था, और लंच थाली आपको ज़रूर दिखाऊँगी, डिनर थाली सॉरी, ये हमारी डिनर थाली, तो ये सब्जी है, हलवा है, दाल है, दही है, रोटी है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।